हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक्स बताने वाला हूं कि जिससे आप अपने कोई भी पिक्चर की बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो, वो भी एक क्लिक में, और वो भी बिना किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात साधुकान टेक यानी ST हिंदी के साथ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि प्ले स्टोर में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाता है जो कि बैकग्राउंड इरेजर का काम कर देते हैं, लेकिन वो इंस्टॉल करना पड़ता है। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था आप लोगों को कि इसे मैंने जो ट्रिक्स यहाँ पे दिखाऊंगा उसे यूज़ करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। कि मेरे पास यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है, तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ही ओपन कर लेता हूँ। ये क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है रिमूव डॉट बी जी। यहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे कि ये जो एप्लीकेशन है ये कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, वेबसाइट है, काफ़ी मिनिमल सा वेबसाइट है। और इसे अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा जाएंगे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे पर्सन, प्रोडक्ट्स, एनिमल्स, कार, आप कोई भी कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको बैकग्राउंड इरेज कर देती है। और यहाँ पे इरेज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपलोड इमेज जो ऊपर की तरफ है यहाँ पे क्लिक करना है, और आप जो पिक्चर की बैकग्राउंड को इरेज करना चाहते हो उसी पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जैसे कि ये वाला। यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ ये जो मेरा ओरिजिनल पिक्चर है और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड है। और अगर आप इसे ही डाउनलोड करना चाहते हो, ये .png फाइल में आपको फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको तीन रो मिल जाएंगे, जो कि पहले जो रो है वो है इसे ब्लर करने के लिए, आपका जो बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। और अगर आप इसे ब्लर नहीं करना चाहते या आप ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो, तो आप इसे छोड़ दे सकते हो। और जो सेकेंड जो रो है वो है बैकग्राउंड को चेंज करने की। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाता है, अगर आप कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है ये। और जो यहाँ पे जो थर्ड जो रो है, मतलब नीचे की सबसे नीचे वाला जो रो है वो है सॉलिड कलर की। आपका अगर आपका पिक्चर की बैकग्राउंड सॉलिड कलर देना चाहते हो तो यहाँ से आप दे सकते हो, जैसे कि ये आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो इसे आप डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो सिंपल सिंपल सा डाउनलोडिंग प्रोसेस है। यहाँ पे ऊपर की तरफ कॉर्नर में दाएं तरफ आपको यहाँ पे एक डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जो कि पहले वाला जो है वो शेयर इमेज का, दूसरा वाला जो है डाउनलोड इमेज का। आप यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक कीजिए, सॉरी डाउनलोड इमेज पे क्लिक कीजिए। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो .png फाइल में आपको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। अब इसे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और आपका जो पिक्चर है वो डाउनलोड हो जाएगी। और अब ये इसको मैं दिखा देता हूँ आपको गैलरी में चल के। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पिक्चर है इसे मैं डाउनलोड किया हुआ है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो है डाउनलोड किया था थोड़ी देर पहले। तो इसी तरीके से आप अपना जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो बहुत ही इजीली। और अगर देख सकते हो कि बहुत का ज़्यादा यूनिक सा लग रहा है मेरा पिक्चर को। और इसी तरीके से आप एक ही क्लिक में आपका जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले हो। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके बताना, और फ्रेंड के साथ शेयर करना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल को भी बजा देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।